Hello students, we are discussing chapter 1st of the class 9th science, the name of chapter is matter in our surrounding. In the last lecture, we discussed on solid state. Now today we will discuss on liquid state. Now first property of liquid is in liquid's दी पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स लिक्विड्स में क्या है आपके जो पार्टिकल्स है एटम्स आइंस और मालिक्यूल्स वो क्या है क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं ठीक है थीके? इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है सम स्पेस ठीक है कुछ स्पेस है इन पार्टिकल्स के बीच में जो आपकी लिक्विड्स है उसमें क्या है पार्टिकल्स आपके क्लोजली पैक्ड नहीं है इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है सम स्पेस देर इज सम स्पेस बिटवीन लिक्विड्स पार्टिकल्स बट इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड देर इज नो स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप जो लिक्विड्स है उनका क्या है फ़िक्स्ड वॉल्यूम है ठीक है वॉल्यूम क्या है फ़िक्स्ड एंड इनडेफिनेट शेप शेप क्या है इनडेफिनिट जो लिक्विड्स है आपके जिस वेसल में हम इसको क्या है रखते हैं उसी वेसल की क्या है ये शेप ले लेता है ठीक है जिस भी वेसल में हम इसको रखते हैं लिक्विड्स क्या है उसकी शेप ले लेगा ठीक है ठीक है लिक्विड्स की क्या है अपनी शेप नहीं होती है ठीक है इसको जिस भी वेसल में हम रखते हैं उसकी क्या है शेप ले लेगा ठीक है दे हैव इनडेफिनेट शेप नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन लिक्विड्स देयर आर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है ठीक है अब हमने सॉलिड्स में स्टडी किया जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है क्लोजली पैक्ड है जो ये पार्टिकल है जिसका बन जिस चीज का सॉलिड बना है ये पार्टिकल क्या है टाइटली पैक्ड है जितना ज़्यादा पार्टिकल टाइटली पैक्ड होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा ठीक है तो इसमें क्या है सॉलिड्स में स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Between these particles, but in liquids, mein kya hai? there is some space, more space between these particles. So the force of attraction between liquids particles are weak. So they have weak force of attraction between the particle. Next property is in liquids, particles can move within the volume. अब जो आपकी लिक्विड्स है उसमें क्या है आपके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं क्योंकि जो लिक्विड्स पार्टिकल्स के बीच में क्या है स्पेस है ठीक है स्पेस है तो ये पार्टिकल्स क्या है मूव कर सकते हैं ठीक है जबकि जो सॉलिड्स में था सॉलिड्स में क्या है पार्टिकल टाइटली पैक्ड थे इनके पास क्या है स्पेस ही नहीं था ठीक है मूव करने के लिए तो जो आपके लिक्विड्स के पार्टिकल्स है वो क्या है विद इन द वॉल्यूम जितने में आपका लिक्विड्स रखा है ठीक है उस वॉल्यूम में क्या है इसके पार्टिकल मूव करते रहेंगे ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे कैप्ट सो दे आर नॉट रिजिड अब जो लिक्विड्स है वो क्या है शेप ले लेते हैं उसी कंटेनर का जिस कंटेनर में उसको फिल करते हैं ठीक है ठीके? तो दे हैव रिजिड दे हैव नॉट रिजिड स्ट्रक्चर उनकी स्ट्रक्चर क्या है रिजिड नहीं होती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन दिक्विड लिक्विड लिक्विड द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सॉलिड्स जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स है उनके बीच में डिस्टेंस आपकी क्या है ग्रेटर है ज्यादा है ठीक है जबकि आपके सॉलिड्स uh, में क्या है डिस्टेंस कम है या नेग्लेजल है क्योंकि जो सॉलिड्स में है पार्टिकल आपके क्लोजली पैक्ड है और जो आपके लिक्विड्स में है वो क्लोजली पैक्ड नहीं है सो इन लिक्विड दी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सॉलिड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन लिक्विड द पार्टिकल हैटिक एनर्जी बिकॉज पार्टिकल कैन मूव विद इन द वॉल्यूम अब जो लिक्विड्स के पार्टिकल है लिक्विड्स के पार्टिकल है इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है हाई होती है ठीक है हाई क्यों होती है क्योंकि जो लिक्विड्स के पार्टिकल है वो विद इन द वॉल्यूम ठीक है जिस वॉल्यूम में ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस वॉल्यूम में ये मूव कर सकते हैं ठीक है कहीं भी मूव कर सकते हैं सो काइनेटिक एनर्जी इज एराइज ड्यू टू द मोशन क्योंकि इसके पार्टिकल मूव करते रहते हैं विद इन द लिक्विड सो दे हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दी स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स कांट डिक्रीज सो दे केन नाट कम्प्रेस्ड जो लिक्विड्स पार्टिकल है उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते ठीक है जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसको हम डिक्रीज नहीं कर सकते सो दे आर नाट कंप्रेस्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लिक्विड शो फ्लूडिटी ठीक है वट इज़ फ्लूडिटी प्रॉपर्टी टू फ्लो कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लो करता है तो वो क्या है फ्लूड एक्ट एज फ्लूड सो लिक्विड्स आपकी क्या है फ्लो करते हैं तो सो लिक्विड्स शो फ्लूडिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी लिक्विड हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स बिकॉज देयर इज सम स्पेस बिटवीन दिज पार्टिकल्स अब आपके सॉलिड्स में क्या है पार्टिकल क्लोजली पैक्ड थे ठीक है तो क्लोजली पैक्ड थे तो इसमें क्या है आपके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा थे ठीक है इतने वॉल्यूम में क्या है मोर पार्टिकल्स है आपके ठीक है तो दे हैव हाई डेंसिटी ठीक है यहाँ पे सॉलिड्स में क्या है डेंसिटी हाई थी क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे बट इतने ही वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स है आपके लिक्विड्स के वो क्या है कम पार्टिकल्स है देयर इज मोर स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल स्पेस क्या है ज्यादा है और जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो क्या है कम है ठीक है सो दे हैव लेस डेंसिटी जो लिक्विड्स की है वो क्या है डेंसिटी लेस है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है ज्यादा है स्पेस ज्यादा है ठीक है पार्टिकल कम है और स्पेस इनके बीच ज्यादा है ठीक है सो दे हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देन सॉलिड्स जो लिक्विड्स का है वो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका लेस होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स क्योंकि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड है क्लोजली पैक्ड है तो मीन्स जो पार्टिकल्स के बीच है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है ठीक है पार्टिकल एक दूसरे से क्या है स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बट जो लिक्विड्स में है वो क्या है लिक्विड के पार्टिकल क्या है एक दूसरे से दूर है ठीक है देयर इज मोर स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल्स तो अगर आपकी स्पेस ज़्यादा है तो पार्टिकल्स के बीच में क्या है अट्रैक्शन कम हो रहा है ठीक है तो इससे क्या हो रहा है जो आपके बॉन्ड है वो ये वीक फॉर्म कर रहे हैं और ये स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या है ज़्यादा एनर्जी देनी है ठीक है ग्रेटर एनर्जी और यहाँ पे हमें कम एनर्जी देनी है तो बॉन्ड क्या है यहाँ पे वीक फॉर्म हो रहा है तो इसको तोड़ना ईजी है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स के तो लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देन सॉलिड्स तो इसमें हमें क्या है कम एनर्जी देनी है क्योंकि बॉन्ड वैसे ही वीक है तो इसमें क्या है जो लिक्विड्स का है बॉयलिंग और मेल्टिंग पॉइंट वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स आपका कम होगा फॉर एक्जाम्पल मिल्क वाटर कैरोसिन ऑयल आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सो हमने आज स्टडी किया लिक्विड्स के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी स्टडी की लिक्विड लिक्विड में क्या है पार्टिकल आपके क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं ठीक है थीके? जो पार्टिकल्स के बीच में हो बीच में है वो स्पेस क्या है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी की कि उनका जो लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और इनडेफिनेट इनकी शेप होती है और जिस भी वेसल वेसल में या कंटेनर में हम लिक्विड्स को रखते हैं उसी कंटेनर की वो शेप ले लेता है नेक्स्ट उसके बाद हमने स्टडी किया कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है वीक होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कम हो जाएगी तो बॉन्ड भी क्या है वीक फॉर्म फॉर्म होगा पार्टिकल्स के बीच और आ, क्या है जो पार्टिकल्स है वो इन द वॉल्यूम क्या है आपके मूव कर सकते हैं और नेक्स्ट क्या है कि जो आपके लिक्विड्स है वो रिजिट नहीं होते हैं ठीक है और क्या स्टडी किया जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत ग्रेटर देन सॉलिड सॉलिड से क्या है ज़्यादा होती है पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस और हम लिक्विड्स uh, को क्या है कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और uh, ये शो करते हैं फ्लूडिटी और डेंसिटी भी क्या है लिक्विड्स की लेस होती है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है फिर हमने बात की बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है लेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स क्योंकि इसमें वीक बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो हम ईजिली इसको बॉयल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एक्ज़ाम्पल क्या क्या है मिल्क वाटर कैरसिन ऑयल थैंक यू